गौर करते ही राधा के बारे में, राधा के बारे में
भला राधा का नाम तो सबने सुना है, ये राधा कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी राधा? ये राधा ब्रसभान की लड़की थी, ब्रसभान की लड़की जो परसाने की रहने वाली थी। माँ का नाम था कीर्ति, कीर्ति। और ये कीर्ति अपनी राधा के लिए, अपनी पुत्री के लिए बड़ी बड़ी अच्छी बातें सिखाती थी, लेकिन राधा को भगवान कन्हैया की आत्मा बताया गया है कि राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा। राधा और कृष्ण में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन राधा देखते देखते होशियार हुई। तो एक दिन राधा ने सोचा कि कन्हैया ने जन्म तो दे लिया लेकिन हमसे मिलने नहीं आए। क्या बात है, लाओ चलके देखिए क्यों नहीं मिलने के लिए आए भगवान। तो राधा अपने घर से श्रृंगार 16 करके और चलती है भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। जवाब दिया ना हम जाके तो देती कन्हैया ने जन्म लो तो नहीं लो। चली राधा कहां के हरियल रंग की थरिया पारी की चली भगवान कन्हैया बंसी पट पर गाय चुराने आते हैं। तो कन्हैया तो दिखाई गए नहीं, मनसुखा दिखाई गए। और राधा ने जवाब रे प्रिया इधर आ, मनसुखा सामने जवाब दिया। हां राधा कहने लगी तुम्हारो का नाम? बोले हमारा नाम मनसुख है। हां किससे मिलना चाहती हो? राधा बोली हम कन्हैया से मिलना चाहते हैं। कन्हैया मनसुखा सोचने लगो भगवान एक बार जब पूतना आई तो इतनी सुंदर बने के आई, हमें ऐसी मालूम पत्ते कोई दूसरी पूतना है जो कोई राक्षस नहीं है। और मनसुखा ने झूठ बोल दिया, जवाब दिया हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते। क्या हाँ तुम किसी को नहीं जानते? बोले नहीं हम किसी को नहीं जानते। राधा ने जवाब दिया है मनसुख भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हें कहीं कन्हैया मिलना है तो नो कह रही हो, बरसाने की रहने वाली राधा तुम्हें ढूंढ रही, तुम्हें याद कर रही। और इतनी कहकर के चली गई राधा। अब मनसुखा दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास गया, जवाब दिया अरे कन्हैया क्या है तेरी सम भैया एक सुंदर सी लड़की तुझे ढूंढ रही है। क्या हाँ क्या नाम है? और मनसुखा को पर्चा देते हुए बोला, क्या बोला? तुम्हें कोई ढूंढ रहा है? राधा का नाम तुम ही, तुम्हें
लड़की तुम्हें कोई ढूंढ रही है भैया। और जो ये बात सुनी आए आए भगवान का भैया को बेचैनी छा गई। जवाब दिया रे कल मनसुख भैया तू हमारी गैया को देखते रहे और हम जाने तो बात करके आते हैं राधा से। राधा हमारी बचपन की मित्र है।